अलैकुम जी प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे जी, अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से। आज के दिन का आगाज़ हो चुका था अल्लाह के बाबरकत नाम से। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और सबकी ज़हनी जिसमानी रूहानी तकलीफें दूर करें। आज का भी लोग फिक्र है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मेरे फ्लू बहुत ज़्यादा हुआ है और किचन में खड़ी हूँ। बेटा मेरा नाश्ता बनाने लगा है अपने लिए, आ जाओ। आपने क्या बनाना है? अंडा बनाना है, बनाओ अपने लिए। रात की रोटियां थी फ्राई करनी, मैंने रात को दाल बनाई थी, कल दाल बनाई थी रात को, कह रही सॉरी कल दोपहर को जो दाल बनाई थी रात को बेटे के लिए, थोड़े से चावल भी बॉयल कर लिए थे, कह रहा था मैंने चावलों के साथ खाने तो ये चावल भी बॉयल कर लिए थे मैंने। अब ये अंडे लेकर आया, अब रात की जो रोटियाँ रखी हैं वो फ्राई करेगा अपने लिए, वो फ्राई करेगा और चाय शाय बनाऊँगी। मेरी तो आज तबीयत ही ऐसी कुछ हुई, ज़रा पानी गर्म करी हस्बैंड के लिए, बस मुँह धोना है उन्होंने। मैं भी नमाज कुरान पाक पढ़ कर आई हूँ, सब नाश्ता वाश्ता करेंगे सब, ये अपनी रोटी फ्राई करेगा। बेटे ध्यान से करो, ध्यान से करो, ये रोटी फ्राई करेगा। बस मैं तो आज कुछ भी नहीं कर सक रही ना, सिर्फ पानी गर्म कर रही हूँ हस्बैंड के लिए। अभी बाहर मौसम भी ऐसा बड़ा अच्छा हो गया, आज बारिश का बताया गया, देखें बारिश होगी आज। फ्राई कर लो, दूध भी ले आई हूँ, ये अच्छा किया, दूध कम था उसमें। देखची फ्रिज में से देखची भी निकाल लो ना दूध की, तो फिर मैं खुद लेकर आती हूँ। चाय मैंने कहा मैं ही बना दूँ, जरा चीनी पत्ती डाल दूँ, इनको नहीं पता चलता सही बच्चों में चाय का। और चाय थोड़ी ज़्यादा बननी है, बच्चों ने भी पीनी है चाय। अंडा फ्राई कर रहा है, मेरी चाय भी तैयार हो गई है, ऑमलेट बना रहा है नमक में। चल ये रात को बेटे ने कनक भिगोई थी तोतों के लिए, और ये मैंने ना चावल उबाले थे तो उसकी ना पीच निकाल के रखी थी। मैंने कहा अपने ऊपर ज़रा अप्लाई करें टोट के छोट के कुछ थोड़े बहुत, तो चाय में डालूँ थर्मस पे। थर्मस छोटा सा ज़रा काम आया था, ये वक्ती थर्मस ही है वैसे, छोटा सा है, दो ढाई कप ही चाय आ जाती है इसमें। आज बाहर का मौसम देखें कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है, बादल हो रहे हैं, बादल बारिश से बताई गई है, अल्लाह ताला बस रहमत रखे। अब हम करने लगे जी नाश्ता, आज कितने दिनों के बाद हम सारे इकट्ठे होकर जी नाश्ता सुबह का कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। दाल, मैं दाल रोटी खाऊंगी, बच्चे तो फ्राई रोटी खा रहे हैं, बड़ा बेटा चावलों के साथ खा रहा है, छोटा बेटा अपने अंडे के बनाया जो वो खा रहा है, हस्बैंड साहब चाय रोटी खा रहे हैं, बेटी भी अपने चावलों के साथ और खा रही है, रोटी भी खाएगी वो, थोड़ी सी चावल थोड़ी सी रोटी, मैं तो रोटी खा रही। चलो जी नाश्ते के बाद मिलते हैं जी। नहीं बात आ रही है उसको तंग करने से, इतनी मीठी चीनी बनाई वो चाय बनाई है, कुछ नहीं हो रहा, पी लो चुप करके, चाय भी मेरी गिर गई, सर पे हवा लग जाएगी, हाँ हवा लग जाएगी मेरी नाजुक सी टेंट। अच्छा कल से मुझे मारी जा रहा है वो, ऐसे ही हाथ तेज कर रहा था अपने अभी, मैं। अभी ये नाश्ते की टेबल के हालात देखे जरा, दंगल हो रहा है यहाँ पर। आज बनाने लगी हूँ जी आलू अंडे, अंडे उबलने के लिए रख दिए हुए हैं और आलू छीलूंगी और अदरक लहसुन वगैरह प्याज टमाटर को ग्राइंड कर दूंगी, ये मैंने बना के इसमें रख लिया है, अभी इन्हें ग्राइंड करूंगी। आलू भी छीलने वाले हैं, अभी छीलती हूँ और फ्लू है कि बस आज अल्लाह लई है, बस बाकी काम तो करना ही है ना साथ साथ, हांडी रोटी तो करनी है, घर के बगैर तो गुजारा है कोई नहीं है ना। खैर चले करती हूँ ज़रा छोटी सी प्याज ब्राउन करके दाल लहसुन डाल मसाला, अच्छा मैं मसाला भून रही थी, इसमें मैंने ना आलू डाल दिए, अंडे नहीं अभी डाले, इसलिए कि अंडे अगर डालती ना इसमें तो चम्मच चलाने से ना अंडों को सफेदी सारी टूट जानी थी, अभी इसमें मैंने ना दही भी शामिल कर दूँगी साथ ही। ये देखें इस स्टेज पर मसाला भून रहा है ना, अब इस स्टेज पर आके अब मैं इसमें अंडे डाल दूँगी, आगे फिर वही होगा ना कि अंडे की सफेदी जो मैंने पहले बताया सफेदी ऊपर नहीं उतर होगा, तो मेरे द्वारा ना अंडे ना टूट जाते हैं फिर उसे सारे चम्मच चलता रहता है क्योंकि वो बॉयल हुए हैं इस वजह से, आलू तो कच्चे होते हैं ना, इन्हें भी
बस मसाला भून के पानी डाल के उनको डाल के रख दूँगी, साथ ही रोटियाँ छोटियाँ भी बनाऊँगी फिर दोपहर का खाना। माशाल्लाह से देखें जी, मैंने आलू अंडे का सालन बना लिया, बड़ा ज़बरदस्त सा बना है, बहुत मज़े का। ये तो मैं कह रही हूँ ना, आप लोगों को कह रही हूँ ऐसे बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आ जाए जी, जिसने खाना है अब हम खाने खाने लगे दोपहर का, और साथ साथ जी मौसम की इंजॉयमेंट भी हो रही है। बादल हुए हैं इस वक्त हल्के हल्के से, और हस्बैंड साहब ये बैठे हुए हैं, अभी भी उठेंगे खाना खाएंगे, अब सब दोपहर का टाइम है, सब खाना खाने लगे। तो आ जाए जी, जिसने खाना खाना है, अगर मेरे ये आलू अंडे की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलें दें मुझे इजाज़त, इसके साथ ही अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर अमानुल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।